बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंतुल सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम खेती किसानी से संबंधित तमाम विषय आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप उनसे जुड़े अपने सवाल हम तक पहुंचा सके, अपनी समस्याओं का समाधान पा सके, वो भी लाइव। आज के दो विषय कौन से जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, आइए डालते हैं उन पर नजर। आज का हमारा पहला विषय है ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती की तैयारी और साथ ही सरसों की फसल में कीट व रोग नियंत्रण। ये दो विषय हैं जिनसे जुड़े जो भी आपके सवाल हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं और जान सकते हैं हमारे विशेषज्ञों से सीधा लाइव जवाब। दो टोल फ्री नंबर हैं जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नोट कर लें, नंबर 1800-1130-60, दूसरा नंबर है 1800-1130-61। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं। और आज के दो जो हमारे विषय है यानी ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती की तैयारी और साथ ही सरसों फसल में कैसे कीट और रोग नियंत्रण किया जाए, इससे जुड़े जो भी सवाल है हम तक पहुंचाए। दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। एक आप देख सकते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और दूसरे हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर राकेश कुमार, वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली में। डॉक्टर राकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे हम समझेंगे ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती की तैयारी के बारे में। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रामलाल चौधरी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय से और भरतपुर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रामलाल जी। आपसे हम सरसों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कैसे रोग और कीट प्रबंधन हमारे किसान कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां इस वक्त लग सकती हैं और उनसे अपनी फसलों को कैसे सुरक्षित रखें, इन कीट और बीमारियों के क्या संकेत हैं और क्या है इनके उपचार, आगे जानेंगे विस्तार से। तो चलिए चर्चा की शुरुआत हम कर चुके हैं। और सबसे पहले आज का जो हमारा पहला विषय है यानी ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती की तैयारी की, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। राकेश जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। राकेश जी, सबसे पहले ग्रीष्मकालीन सब्जियों की अगर हम बात करें तो क्या उनकी उपयोगिता है और क्यों महत्वपूर्ण हमारे किसानों के आय के संबंध में? अभी जो आने वाला समय है, ये इसको जायद मौसम भी बोलते हैं जी, बिल्कुल जी, और इसको हम गर्मी वाली सब्जियों की खेती भी करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो भी सब्जियां बेल वाली सब्जियां ज्यादातर लगाई जाती है, जो कि हमारे लिए विभिन्न शरीर के लिए जो आवश्यक होती है पोषक तत्व की, ये पूर्ति करते हैं। क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जो है विटामिन, खनिज लवण और हमारे और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो और सब्जियां लगाई जाती है, टमाटर, बैंगन, मिर्च, लोबिया है और भिंडी मुख्य रूप से इस मौसम में लगाई जाती है। और हम बात करते हैं पत्तेदार सब्जियों की, तो पत्तेदार सब्जियों में जो है हम चौलाई, लाल चौलाई, हरी चौलाई का भी लगाते हैं। साथ ही साथ ग्रीष्मकालीन में हम मूली और पालक की भी आसानी से खेती कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो अभी आपने बताया कि कौन कौन सी ग्रीष्मकालीन सब्जियां होती है, जैसा कि आपने बताया कि जायद का समय होता है, तो कुछ समय के लिए आपका खेत या आपकी जो भूमि है वो खाली होती है, तो इसका भी आप उचित इस्तेमाल कर सकते हैं। जायद की सब्जियों की तैयारी कर सकते हैं, ये सब्जियां ले सकते हैं, उस समय आपका खेत भी खाली नहीं रहेगा और पोषक तत्वों की भी पूर्ति मिट्टी में हो जाएगी। अगली फसल क्या है उसको भी ध्यान में रखते हुए आप जायद की फसलों का चुनाव कर सकते हैं। आइए देखते हैं जुड़े हमारी रिपोर्ट। गर्मियों की सब्जियों की बुआई का समय आ गया है। इस समय आप खीरा, करेला, लौकी, तोरई और भिंडी की खेती कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय वर्ग की सब्जियों के लिए दोमट या बलुई दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है।
इसमें अधिक जैविक पदार्थ व अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की जरूरत होती है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और उसके बाद दो या तीन जुताई सामान्य कर सकते हैं। मिट्टी को भुरभुरा और खेत को समतल कर ले। वहीं तुरई की फसल में खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच के अनुसार करें। कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की बुआई के लगभग एक महीने पहले खेत की तैयारी के समय डालें। खीरे की खेती के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास का उचित प्रबंध हो सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी में कार्बन की मात्रा ज्यादा और पीएच मान 6.5 से 7.0 होना चाहिए। टिंडे की बुआई फरवरी मार्च में कर सकते हैं। बुआई के समय एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 से 5 मीटर तक रख सकते हैं। किसान अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अपने इलाके के अनुसार उन्नत किस्मों की बुआई करे तो ग्रीष्मकालीन सब्जियों की अच्छी फसल ले सकते हैं। बिल्कुल, अभी आपने ग्रीष्मकालीन सब्जियों पर ये रिपोर्ट देखी। हमने आपको ये भी बताया कि किस तरह की खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही खेत कैसे तैयार किया जाए, कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखा जाए, इस पर हम आगे राकेश जी से और विस्तार से समझेंगे। और जो हमारा दूसरा विषय है आज का, यानी सरसों की फसल में कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें, तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रामलाल चौधरी जी हैं। रामलाल जी, सरसों की फसल में अभी किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है और कौन कौन सी बीमारियों की आशंका, कीट और बीमारियों की आशंका इस वक्त फसल में हो जाती है? जी देखिए, तिलहनी फसलों में राई सरसों का एक प्रमुख स्थान है और अगर हम वर्तमान परिस्थिति देखते हैं तो ये लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर एरिया में उगाई जा रही है और इस बार अनुमान है कि हम रिकॉर्ड एक उत्पादन जो कि लगभग 10 मिलियन टन है को प्राप्त किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ तो इस तरह हम देखते हैं कि इन फसलों की उत्पादकता व एरिया में एक उल्लेखनीय वृद्धि हमने प्राप्त की है। लेकिन साथ ही साथ अगर विश्व स्तर पर देखते हैं तो उत्पादकता और जो टोटल प्रोडक्शन है वो अन्य देशों की तुलना में कम है और इन का कारण जो हम आज की चर्चा में शामिल किए हैं कि इन फसलों की उत्पादकता या उत्पादन में कमी के कारण कीट व रोग भी प्रमुख स्थान रखते हैं। तो जैसे जैसे हमने अगर हम रोग और कीटों को समय पर पहचान लेते हैं किसान भाई अपने और उनका नियंत्रण कर लेते हैं तो इनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है और इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे ये मौसम है सर्दी के बाद, सर्दी जैसी जनवरी दिसंबर जनवरी फरवरी का जो महीना रहता है इस समय कीटों की ज्यादा संख्या होती है क्योंकि आर्द्रता बढ़ जाती है और तापमान भी घट जाता है। इस वजह से कीट व रोग दोनों ही अधिक संख्या में पनपते हैं। तो इनका अगर इन कीटों व रोगों का उचित समय पर पहचान कर प्रबंधन किया जाए तो जो कीट व रोगों से होने वाली हानि है लगभग 15 से 20% उसको कम किया जा सकता है और इन फसलों की उत्पादकता व उत्पादन में एक मतलब अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो आपने बताया कि कैसे अच्छा प्रोडक्शन यानी फसल और बेहतर प्राप्त की जा सकती है। आइए देखते से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। अच्छी फसल के लिए सरसों को कीटों और रोगों से बचाना जरूरी है। सरसों में सुंडियां लगने का खतरा रहता है। सुंडियां पत्तियों में सुरंग बनाकर हरे पदार्थ को खाती है। इस सुंडी का हमला इसी महीने नीचे वाली पत्तियों पर ज्यादा होता है। इस कीट के लक्षण दिखने पर मेटासिस्टॉक्स 25 ईसी को 250 से 400 मिलीलीटर या रोगोर 30 ईसी को 250 से 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। अगर जरूरत लगे तो 15 दिनों के अंतराल पर दूसरा छिड़काव कर सकते हैं। सुंडी के अलावा चितकबरा कीट भी सरसों को नुकसान पहुंचाता है। ये कीट सरसों की फसल में शुरुआती अवस्था की फसल के छोटे छोटे पौधों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। व्यस्क कीट और उसका निम्फ पौधे के तने और पत्तियों से रस चूसते हैं जिससे पत्ते सफेद होकर मर जाते हैं। ये कीट कटाई के समय मार्च में ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
इस कीट का प्रकोप होने पर 5% मेलाथियॉन 20-25 किलोग्राम का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। वहीं अगर रोगों की बात करें तो सरसों की फसल में झुलसा या सफेद गिरोई रोग पत्तियों की निचली सतह पर सफेद फफूंद की बढ़ोतरी के रूप में दिखाई देता है। इस रोग से ग्रसित पत्तियों पर हल्के भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग के लक्षण दिखने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या जाइनेप की 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 500 से 800 लीटर पानी का घोल बनाकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव जरूर करें। ध्यान रखें कि किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और आज के हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, बालाघाट से हैं हमारे साथ राहुल जी हैं फोन लाइन पर। राहुल जी स्वागत है आपका, हेलो किसान, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम, समर सीजन में जो मुख्यतः कुकुरबिटेसियस क्रॉप लगती है मैम, उनमें डाउनी मिल्ड्यू की बहुत समस्याएं रहती है, और उसी तरह देखा जाए तो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी भी उसमें सेम सिम्टम दिखाती है मैम। तो डाउनी मिल्ड्यू की पहचान कैसे करें, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो डाउनी मिल्ड्यू की दवाइयाँ महंगी जाती है मैम। जी राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाउनी मिल्ड्यू में आप पत्तियों को आप उल्टा करके देखेंगे तो उसकी निचली सतह पर एक हल्की रुई सी आपको आभास होगा, और जहां तक पोटेशियम की बात है वहां पे आप देखेंगे पत्तों पे सफेद डॉट सा आपको नजर आएगा। तो इसमें स्पष्ट हो जाता है कि जो आप उन पत्तियों को तोड़ के और भी जांच करना चाहते हैं तो उसको पेपर में, गीले पेपर में लपेट के रख दें तो अगले दिन जाला बन जाएगा, एक अच्छी पहचान है। और डाउनी मिल्ड्यू अगर आती है तो आपने उस पे केराथेन का 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करेंगे या सल्फर का, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जी जी बिल्कुल। तो अब हम समझ लेते हैं आपसे राकेश जी कि जो हम ग्रीष्मकालीन सब्जियों की हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से किन किन सब्जियों का चुनाव हम कर सकते हैं। मोटे तौर पर आपने हमें शुरुआत में बता दिया, लेकिन ज्यादा किन की उपलब्धता हो सकती है और जिनकी मांग भी रहती है और जो आसानी से उगाई भी जा सकती है। ग्रीष्मकालीन में खासतौर पर जो बेल वाली सब्जियां हैं जो ज्यादातर लगाई जाती है, इसमें मुख्य रूप से लौकी है, तुरई है, और करेला, खरबूज, तरबूज, इसके अलावा ककड़ी, खीरा, ये सब्जी आती है। साथ ही साथ है इसमें जो है जो टमाटर वर्गीय सब्जियां, टमाटर, बैंगन, मिर्चे, इनको भी हम इस समय लगा सकते हैं। और भिंडी जो कि 2 बार ली जाती है, एक गर्मी के मौसम में भी ली जाती है, दूसरी बरसात में भी ली जाती है, तो भिंडी की भी फसल की जाती है। और इसके अलावा हम जो पत्तेदार सब्जियों की बात करते हैं तो पत्तेदार सब्जियों में हम वैसे तो पालक और वर्ष भर की आसानी से ले सकते हैं, और अभी जो मौसम है मार्च अप्रैल तक हम खुले तो खेतों में भी इसको पालक को हम ले सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य रूप से लाल चौलाई और हरी चौलाई, इसकी भी खेती इस टाइम की जाती है। और दलहनी सब्जियों की हम बात करते हैं तो दलहनी सब्जियों में हम जो लोबिया है उनको लगाते हैं, अरबी भी इस समय लगा सकते हैं। जी एक कॉलर हमारे साथ रोशन लाल जी हैं जिन्होंने सिरसा से हमें कॉल किया है, हरियाणा की सिरसा से। रोशन लाल जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर सरसों बोई हो रही है ये इंडिया में और उसकी बकवास नहीं हो रही है बिल्कुल भी, मिट्टी भी अच्छी है और खाद बीज भी अच्छा दिया है। जी हमारे साथ डॉक्टर रामलाल जी है। रामलाल जी कुछ पूछना चाहते हैं आप रोशन जी हमारे साथ फोन लाइन पर, जिनका कहना है कि मिट्टी भी उनके यहाँ की अच्छी उपजाऊ है और खाद वगैरह भी डाल रहे हैं लेकिन उस तरह की फसल की बढ़वा नहीं मिल रही है उन्हें। जी देखिए रोशन लाल जी, अगर मिट्टी अच्छी है और पानी आपके पास है तो फिर ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि मतलब फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो। हाँ कुछ चीजें हैं जिनका आप जरूर ध्यान रखें, जैसे बुआई के समय जो संतुलित खाद है, जिनकी खाद की मात्रा है या उर्वरक की मात्रा निर्धारित की गई है उनकी उचित मात्रा डाले आप, और साथ में उनको जो मान लो स्प्रे करने की जरूरत है तो मेरा कहना है कि आप अगर पानी, खाद और बीज सही उपयोग कर रहे हैं तो इसे कोई वजह नहीं है कि आपकी फसल की उत्पादन अच्छा नहीं होगा। जी जी अगर जी तो अब क्या वजह हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है जिसकी वजह से उन्होंने फसल ली है
हाँ जी फसल ली है और कह रहे बढ़वार उस तरह की नहीं मिल पा रही है, उनके यहाँ मिट्टी भी अच्छी है लेकिन इसके बावजूद भी शायद उनकी जो उम्मीद थी उसके अनुसार उस तरह का परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तो वही जानना चाहते हैं। देखिए सरसों की फसल लगभग पकने वाली है, मतलब हार्वेस्ट होने वाली है और अभी भी ग्रोथ बहुत मतलब कम है, तो मैं कहूँगा कि रोशनलाल जी अगर शुरू में आप ध्यान देते, मान लो जरूरत तो आप उसमें जैसे माइक्रोबियल्स है कुछ उनका स्प्रे करते, या आपने देखा होगा अभी कहीं डिजीज तो नहीं है। चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, और अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप हमें जरूर कॉल करें, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। अब राकेश जी से बात कर लेते हैं। राकेश जी आपने बताया कि हमें कौन कौन से इस मौसम में जो ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं जिसका हमारे किसान चुनाव कर सकते हैं, खेत की तैयारी कैसे करें, मतलब जो सब्जियों की हम फसल ले रहे हैं जो आमतौर पर जो हमारी अनाज की फसलें होती है पारंपरिक तौर पर, क्या उससे कुछ अलग तरह से खेत तैयार करना होते हैं, भूमि तैयार करनी होती है? जी जो इसमें दो तरीके से हम, एक तो अगेती भी कुछ किसान जो है अगेती बेल वाली सब्जियों की अगेती भी खेती करते हैं, जिनको दिसंबर में पॉलीथीन बैग्स में नर्सरी तैयार कर लेते हैं पॉलीथीन पॉलीहाउस के अंदर में, तो उनकी रोपाई का भी समय अभी आ गया है। और दूसरा तरीका होता है सीधे, जैसे अभी तापमान हमारा 20 डिग्री के आसपास तापमान हो गया है तो इस समय सीधे खेतों में बुआई कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी होता है कि हम खेती जब शुरुआत करते हैं तो खेत की तैयारी हमें अच्छी तरीके से करना है, उसकी अच्छी तरह से जुताई करके और पाटा लगा के उसको समतल करने होते हैं, और ज्यादातर बेल वाली सब्जियां जो है वो नालियों के अंदर लगाई जाती है, तो हम बेल वाली सब्जियों के लिए जो है 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की जो चौड़ी एक नाली बनाते हैं, जो कि 25 से 30 मीटर गहरी नाली बनाते हैं, और एक नाली से जो दूसरी नाली की जो हम दूरी रखते हैं वो बेल, जैसे लौकी है उसकी बेल ज्यादा फैलती है या तोरी की बेल, तो उसकी डिस्टेंस हम 4 मीटर तक रखते हैं एक नाली से दूसरी नाली के बीच की दूरी। तो इस तरीके से, और सबसे सावधानी रखनी होती है कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो जितने भी हम फर्टिलाइजर्स है खाद को, जैसे बहुत सारे किसान बाद में भी डीएपी पोटास और जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं बल्कि ये फिक्स खाद होते हैं, तो इनको आप जब अंतिम जुताई होती है तो सब्जी वाली जो फसलें हैं वो ज्यादा खाद चाहती हैं, तो हम 20 से 25 टन जो है सड़ी हुई गोबर की खाद पहले मिला देते हैं, साथ ही साथ डीएपी पोटास और जिंक सल्फेट जो हमारी और ये खाते हैं सल्फर, उनको हम जमीन में अंतिम जुताई के समय मिला के और अच्छी तरह से उसको पाटा लगा के समतल करते हैं। और ये भी देखा जाता है कि ज्यादातर सब्जियों में भूमि जनित बीमारियों का ज्यादा प्रकोप होता है, तो अगर हम शुरुआती अवस्था में ही अगर ध्यान देते हैं कि उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी या कार्बेंडाजिम फफूंदनाशी का अगर हम गोबर की खाद में मिक्स करके और उसको खेत में फैला देते हैं अंतिम जुताई के समय, तो हमें जो भूमि जनित बीमारी आने की संभावना होती है वो भी कम हो जाती है। जी, एक हमारे पास मेल भी जो आपने बताया उससे जुड़ा ही हुआ है, ये लाल बाबू जी हैं बिहार के, इनका कहना है कि कद्दू के बीजों को पॉलीपैक में उगाने की क्या विधि है, इसके बारे में जानकारी दें। मैं लाल बाबू जी को बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है, और इस तरीके से अगर खेती करते हैं तो उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। उसका कारण होता है कि क्योंकि आमतौर पर किसान जो है, जैसे अभी फरवरी का लास्ट महीना चल रहा है, फरवरी का अंतिम चल रहा है मिड लगभग, तो मार्च में आमतौर पर किसान भाई जो है अपनी खेत की भी तैयारी कर रहे हैं, लगाते मार्च का फर्स्ट वीक आ जाता है, और उनकी फसल जो आते आते, क्योंकि ये बेल वाली सब्जी है 45 से 50 दिन में फलना शुरू होती है, तो ये लगभग आपका अप्रैल लास्ट और मई का महीना आ जाता है, और उसी टाइम सारे किसान भाइयों की सब्जियां बाजार में आती है, तो उससे उनको बहुत ज्यादा मूल्य नहीं मिल पाता, उसकी कीमत नहीं मिल पाती, तो इसके लिए बहुत अच्छा है राम ले लीजिएगा ये सवाल कि हम इसको अगर दिसंबर के महीने में पॉलिथीन की साइज हमें आती है 15x10 की पॉलीबैग्स आते हैं, इसमें मैं इसको बताना चाहूँ थोड़ा तकनीकी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, तो 15 से 10 सेंटीमीटर की पॉलीबैग्स में हम जो इसका मिश्रण बनाते हैं, एक हिस्सा उपजाऊ मिट्टी, एक हिस्सा बालू और एक हिस्सा जो है सड़ी हुई गोबर की खाद,
ये तीनों चीज को मिक्स करके हम पॉलिथीन बैग्स में भर देते हैं, और ये ध्यान रखते हैं कि पॉली बैग्स में जो है छेद छेद जरूर होने चाहिए, जिससे कि हमें ज्यादा पानी डालते हैं वो बाहर निकल जाए। और उसमें एक एक बीज जो है हम लगा देते हैं, और बीज लगाने के बाद इस पॉलिथीन बैग्स को हम जो पॉली टनल्स है या पॉली हाउस है, छोटे छोटे पॉली टनल्स बना के, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, तापमान बहुत कम होता है, तो इसमें दिक्कत आ सकती है, बाहर नहीं रख सकते, तो हम पॉली टनल्स के अंदर इसकी पौध तैयार कर लेते हैं, और ये करीब 20 से 25 दिन में हमारा लगाने लायक तैयार हो जाता है। तो जैसे अभी का समय है तो उनका पौध तैयार होगा, और उसको हम खेत में शाम के समय, क्योंकि ये ध्यान देना होता है कि अगर हम पॉली हाउस से बाहर निकालते हैं तो एक दिन पहले शाम के समय खेत में निकाल दें, जिसको हम हार्डनिंग बोलते हैं, कठोरीकरण बोलते हैं, जिससे पौधा उस वातावरण के साथ है, मिल जाते हैं। तो अगर ये लगाते हैं तो हमारा इनका मार्च के मध्य या मार्च के अंत तक फल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इनका टाइमिंग जो है दिसंबर से शुरू हो गया होता है, तो लगभग ये 45-50 दिन जो है मार्च के अंत तक आ जाता है। तो इनको पहले बाजार में फलत मिल जाएगी, जिससे कि उनको बाजार में अच्छा मूल्य मिलेगा और उनकी आमदनी भी अच्छी हो सकती है। जी, एक कॉलर है अब्दुल सलाम खान मऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर। जी खान साहब जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। जी मैडम जी नमस्कार, बताएं सवाल बताएं। हाँ डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि हम लौकी खेती करने एकदम जा रहे हैं, तैयार कर लिए हैं और कल्टीवेटर जुताई किए हैं, पाटा लगा लिए हैं, जनरेटर से जोत करके पटा लगा लिए, खेत कंसर एकदम कर लिए एक बीघा खेत। तो हम चाह रहे थे कि पूछ रहे डॉक्टर साहब से, हमारा सवाल ये है कि ये खीरा और लौकी दोनों की खेती एक साथ कर सकते हैं? जी खीरा लौकी की खेती कर सकते हैं। नहीं, आप खीरा और लौकी दोनों अलग अलग डिस्टेंस भी है इनका, और बेल का बढ़ने की जो क्षमता होती है, साथ में तो नहीं कर सकते, आप अलग अलग नाली बना के आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे हम बात करेंगे कि अगर मचान सिस्टम लगाते हैं तो आप मचान पे घिया वगैरह लगा सकते हैं, और उसको अलग लगाइए आप खीरे को, क्योंकि अगर इसके साथ लगाते हैं तो इसको हमारा घिया, क्योंकि लौकी का पत्तियां चौड़ी होती है, वो खीरा को ढक लगी और खीरा नीचे छाया में आएगा तो चलेगा नहीं। आप इसके नीचे एक काम कर सकते हैं, अच्छा आमदनी लेने के लिए आप अभी जो बेल वाली सब्जियां आप मचान बनाते हो उसके नीचे आप पालक ले लेते हैं, तो आपको एक अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। जी बिल्कुल, और हम अब बात करते हैं रामलाल जी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। रामलाल जी, अब ये बताएं कि इस वक्त कौन कौन सी बीमारियों की और कीटों की आशंका रहती है? जी देखिए, राई सरसों की बात करें तो राई सरसों में जो प्रमुख रोग है उनमें आपका तना गलन है, सफेद रोली है, झुलसा है, इत्यादि प्रमुख रोग है। और कीटों की बात करें तो कीटों में आप चेपा, जिसको महोग भी कहते हैं, इसके अलावा चितकबरा रोग है, आरा मक्खी है, और सुरंग बनाने वाले कीट है जिनमें जो थी लीफ माइनर, इत्यादि प्रमुख कीट है। और इनमें कुछ कीट होते हैं जो शुरुआती अवस्था में आते हैं, कुछ कीट होते हैं जो बाद की अवस्था में आते हैं, जैसे चेपा बाद में आता है, मतलब पकाई के समय जब फरवरी मार्च में तापमान अधिक रहता है तब। और चितकबरा रोग ऐसा है, वो कीट ऐसा है कि वो जब फसल की बुआई होती है उस समय अगर तापमान अधिक है तो तब रहता है, जब तक तापमान मान लो 30 डिग्री से कम नहीं आता तब तक इस कीट का प्रकोप बना रहता है, और ये बाद में फरवरी मार्च के समय में भी आता है और काफी नुकसान पहुंचाता है। जी, एक कॉलर है यशवंत जैन है, जिन्होंने शिवपुरी से मैं कॉल किया, मध्य प्रदेश से आए, इनका सवाल लेते हैं। यशवंत जैन जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो यशवंत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? स्वागत है आपका हेलो के सामने, सवाल बताए। यशवंत जैन शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला जी, मेरा सवाल ये है, मैं पहले तो किसान चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि उनमें हमारी जो फसलों के बाद किस प्रकार हम खेतों की तैयारी करें, ऐसे विषय को हमारे सामने लाया है। तो हम चाहेंगे कि हमारी सरसों की फसल अब कट चुकी है और अब खेत खाली हो रहे हैं, तो हम गर्मी में ऐसी कौन सी मतलब सब्जी पैदा करें जिससे कि हमको लाभ मिल सके और कम समय में हमारी फसल आ सके और हमको लाभ मिल सके, इसके बारे में हम चाहेंगे। और दूसरा हम ये भी चाहेंगे कि मूंग आती है 60 दिन की, क्या हम उसको भी कर सकते हैं क्या, उसके बारे में भी हमें बता दें। ठीक है यशवंत जी, कहते हैं जिसको
बिल्कुल समझ गए हम आपके दो सवाल हैं और बहुत अच्छा लगता है जानकर कि किसानों को हमारी सलाह से हमारे जो कार्यक्रम उससे लाभ हो रहा है। राकेश जी पहले जानना चाहते हैं कि जो ये मौसम है जब जब जैसे कि कुछ समय के लिए खेत खाली होगा तो उनके क्षेत्र के अनुसार कौन सी वो सब्जियां ले सकते हैं और साथ ही जैसे मूंग के बारे में जानना चाहते हैं। जी जसवंत जी जैन जी आपका सवाल बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम इसको बोलते हैं रिले क्रॉप, मतलब अगला फसल लेने से बीच में जो हमारा समय होता है उसको कैसे हम कवर करके और आमदनी ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपका एक मूंग का सवाल है, मैं उसको बता देता हूँ कि आपके क्षेत्र में वैसे एमएचए ये अगर एमएचए मूंग करके 421 है जो कि बहुत कम टाइम पे 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। आप इसको 10 मार्च के आसपास लगा सकते हैं, 10 मार्च के से 20 मार्च तक आप आसानी से लगा सकते हैं और मूंग बहुत अच्छा फायदा का अगर ढंग से अगर आप मूंग की खेती कर लेते हैं तो आपको 8 से 10 क्विंटल तक आसानी से उपज प्राप्त हो सकती है जो कि दोगुना फायदा करेगा। तो जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपकी आमदनी बढ़ेगी। दूसरी बात करते हैं कि जब हम शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप की बात करते हैं तो अभी क्योंकि हमारा रवि सीजन एंड हो रहा है और आपका सरसों कटने के बाद आप उसमें अच्छी तरीके से क्योंकि इनकी गहरी जड़ें होती है तो कोई भी फसल लेने के बाद हम उसको अच्छी प्रकार से जुताई करके उसमें कार्बोफ्रन 3G का 5 किलो के हिसाब से और 500 ग्राम जो है कार्बेंडाजिम आप मिक्स करके पूरे खेत में मिला दीजिए जिससे कि भूमि का उपचार भी हो जाए, कोई कीट और जैसे निमेटोड की प्रॉब्लम आती है अगर हम लगातार फसल लेते रहते हैं तो इसका ख्याल रखें। साथ ही साथ आप मूली पालक ऐसी चीज है जो अभी ऑफ सीजन माना जाएगा कि अगर आप अभी मूली और पालक लगाते हैं तो आप आगे जब एक डेढ़ क्योंकि ये 45 से 50 दिन की क्रॉप होती है तो आप अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ आप शेड नेट की व्यवस्था करके धनिया जो कि आप देखते होंगे गर्मी की छाया प्रिय जो सब्जी जी जी अगर आगे आ रहा समय तो धनिया लगा सकते हैं जिससे आपको अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद ही इन दोनों विषय पर हम चर्चा जारी रखेंगे। आपकी कॉल्स का भी सिलसिला रहेगा जारी, कहीं मत जाएगा, देखते रहे लोग के साथ छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए जिससे प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ಟರ್ ನೇ ಜೀರೆ ಕಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಗಾಕರ್ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣೋ ಕೋ
आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन सब्जियों की तैयारी के बारे में और साथ ही बात हो रही है सरसों में कैसे करें इस समय कीट और बीमारियों का प्रबंधन। इससे जुड़े जो भी आपके सवाल हैं आप हमारे दो टोल फ्री नंबर्स पर हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ रही है, अंशु यादव है जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं और फैजाबाद से आप हमारे साथ अंशु जी बताइए क्या सवाल है। जी हमारी सरसों है, सरसों लटक गई है, उसमें आधा पेड़ कच्चे गिर जा रहा है। रामलाल जी क्या बताना चाहेंगे आप अंशु जी को, सरसों के बारे में पूछ रही है। जी मैं समझ तो नहीं पाया लेकिन जैसे राकेश ने बताया कि व्हाइट रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो सफेद रोली जिसको हम कहते हैं। जी सफेद रोली का प्रकोप फसल में लगभग 30 से 35 दिन जब फसल हो जाती है तो उसके बाद से ही स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और अगर शुरुआती अवस्था में देखते हैं तो पत्ती के नीचे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो सफेद रंग के होते हैं, बाद में वो फफोले बन जाते हैं, फफोले बनकर फूटते हैं तो सफेद रंग का चूर्ण उनसे निकलता है। और इस रोग की अगर मान लो रोकथाम नहीं की जाए तो बाद में यही रोग आगे चलकर जो कि दूसरी चूर्णलासिता होती है दोनों के साथ मिलकर भयंकर रूप ले लेता है। और जो इसके फूल होते हैं जब फूल से जुड़े हुए भाग होते हैं वो मुड़ जाते हैं और जिसको स्टेक हेड हम कहते हैं तो उससे काफी नुकसान होता है। तो यादव जी इससे अगर आप अभी खड़ी फसल है तो खड़ी फसल में आप स्प्रे कर सकते हैं जिसको ये रिडोमिल एक दवा आती है, अगर आप 0.25% का घोल बनाकर इसको छिड़काव करें। और लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि आप अगर इस रोग से थोड़ा निजात पाना चाहते हैं तो पहले सीड ट्रीटमेंट जिसको हम बीजोपचार कहते हैं उसका भी जरूर इस्तेमाल कीजिए। बीजोपचार के लिए आप जैसे एप्रोन 35 SG एक दवा आती है उसको 6 ग्राम प्रति किलोग्राम भी की दर से बीजोपचार कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मान लो खड़ी फसल है जैसे मैंने बताया खड़ी फसल में स्प्रे कर सकते हैं, साथ ही साथ स्वच्छ और जो प्रमाणित बीज होते हैं उनका ही आपको प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये बीज के द्वारा भी रोग फैलता है। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि अच्छे बीज इस्तेमाल किए जाने चाहिए तो वो कैसे पहचाने इस पर भी मैं आगे बात करूंगी, लेकिन क्योंकि आज का हमारा विषय है कीट बीमारी का प्रबंधन कैसे करें तो ज्यादा फोकस इसी पे रहेगा हमारा। राकेश जी सब्जियों की हम बात कर रहे हैं तो अभी आपने बताया कि खेत की तैयारी कैसे करें, अब ये बताएं कि बीजों का शोधन कैसे करें, बीजोपचार किस तरीके से करना चाहिए और कैसे करें बीजों का चुनाव। जी किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जो बीज है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी पूरी जो फसल है वो बीज के ऊपर ही निर्भर करती है। तो ज्यादातर किसान भाई जो आसपास के बाजार होते हैं या उनके पास पुराने बीज, क्योंकि सब्जियों की बीज जो है आमतौर पर 6 महीना अगर हम आज सब्जी के बीज बना लेते हैं और उसकी पैकिंग कर लेते हैं तो 6 महीना तक उसकी वैलिडिटी रहती है, उसके बाद वो एक्सपोज कर जाता है या जर्मिनेशन में दिक्कत आती है, जर्मिनेशन परसेंटेज कम हो जाता है। तो किसान भाई को सबसे ध्यान देना है कि आपके पास जो भी रिलायबल सोर्स हो, विश्वसनीय संस्था हो, वहां से संपर्क करें। आपकी जो भी आसपास कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय हो आप वहां से संपर्क करें। और हर क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रजातियों का संस्तुति किया गया है तो अपने क्षेत्र के लिए जो उपयुक्त प्रजाति है उसका चुनाव करना है। अगर आप बाहर में निजी कंपनियों के जो बीज हाइब्रिड आ रहे हैं उनको लेते हैं तो आप सबसे पहले जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर है आप उनसे बीज खरीदें, साथ ही साथ बीज लेने के बाद आप बिल लेना जरूर भूलें क्योंकि उस बीज पे लॉट नंबर और बैच नंबर होते हैं,
उससे ये निर्देशित होता है कि ये कब बनी हुई है, तो उसको आप अवश्य लें, जिससे कि जो भी विक्रेता है आपको अगर बीज पक्का बिल देता है तो ये निश्चित तौर पे वो बीज में गुणवत्ता है और अच्छा बीज है। और उसको बीज लेने के पश्चात आप अगर बीज ट्रीटेड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो कि बीज उपचारित करके ही बेचते हैं, अगर बीज उपचारित नहीं है तो बीज उपचारित करना बहुत जरूरी है। जैसा कि पूर्व में भी हम चर्चा की कि बहुत सारी बीमारियां जो है भूमि जनित होती है, जो जमीन के माध्यम से भी आती है, साथ ही साथ बीजों के माध्यम से भी बीमारी आती है, तो हमने दोनों चीज को ट्रीटेड करना है। तो बीज को उपचारित करने के लिए या कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज के हिसाब से आपने बुआई से पूर्व उसको उपचारित जरूर करें। तत्पश्चात जो भी डिस्टेंस निश्चित की गई है, जैसे हम खीरा और खरबूज ककड़ी जो बारीक बीज वाले हैं, जो बेलवर्गी सब्जियों में है, इनकी जो दूरी रखते हैं हम 50 सेंटीमीटर रखते हैं, और अगर घिया की बात करते हैं या जो करेला, तो इसको हम करीब 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस पे लगाते हैं। तो बीज का उपचार अवश्य करना है। निश्चित तौर पर जैसे हम टीका लगाते हैं वैसे जस्ट माना जाए खेती के लिए हमें जो बीजों का उपचार करते हैं वो टीका होता है। इसकी खेती करने से पूर्व जरूर किसान भाइयों को करना चाहिए। रामकिशन राणा जी कॉलर हमारे साथ, आइए बात करते हैं, जानते हैं किसके बारे में जानना चाहते हैं। रामकिशन जी बताइए कैसा सवाल है आपका। हेलो रामकिशन राणा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी। अच्छा आप सवाल बताएं, हाथरस से बात कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? जी सवाल बताइए। मैं हाथरस से बात कर रहे हैं। हाँ जी, हमारा सवाल ये है कि जो आप इस समय जो डॉक्टर साहब कह रहे थे मूली लगाने की, तो मूली की कौन सी किस्म लगा सकते हैं इस समय? ठीक है, मूली की कौन सी किस्म लगा सकते हैं? अभी जो है बहुत सारे कंपनियों के हैं, लेकिन हम जैसे बात करते हैं कि चेतकी, पूसा चेतकी वैरायटी को अभी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी सहन करने की क्षमता होती है और इसमें बोल्टिंग नहीं होती है। फिर आप कुछ बहुत सारे निजी कंपनियों के भी अब हाइब्रिड्स आ गए हैं, जिसको आप आसानी से गर्मी के मौसम में भी लगा सकते हैं, और उनकी पूसा चेतकी से साइज भी अच्छी होती है और उसकी अच्छा पैदावार भी होती है। तो आपके आसपास जो भी ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है आप वहां से संपर्क कीजिए, और अगर पूसा संस्थान से आप लेना चाहते हैं तो आप यहां से भी किसी को भेज के आप मंगा सकते हैं। तो पूसा चेतकी प्रजाति सबसे बेटर है इस टाइम के लिए। जी जी, एक तो हमारे पास मेल आया हुआ है, मेल ले लेते हैं। रामलाल जी आपके लिए सवाल है ये, सुखराम है उत्तर प्रदेश से, कहते हैं सरसों की फसल में डंडी सूखने लगती है, गल जाती है और फिर सरसों सफेद पड़ जाती है, क्या करें? जी मैं सुखराम जी बताना चाहूंगा कि आपकी फसल में तना रोग लग गया है या उसकी वजह से ऐसा हो रहा है तना जी, तो जी। ये एक काफी हाल ही के दिनों में काफी भयंकर रूप से रोग आ रहा है, तो मैं किसान भाइयों को सभी को सलाह देना चाहूंगा कि इसकी इस रोग से बचाव के लिए एक आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। हेलो जी रामलाल जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, अब बात पूरी कीजिए। पीछे आपने जो भी कुछ कहा वो हम तक आवाज पहुंची नहीं। जी जी, मैं कहना चाह रहा था किसान भाइयों निजात बीज नहीं आ रही है आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से, कुछ गड़बड़ी। हम आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आप बचा पाएंगे, जैसे ये बता रहे कि इस तरह की सरसों में समस्या आ रही है, क्या वजह हो सकती है, क्या करें? जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये परेशानी आती है ये एक्चुअली सॉइल बोर्न डिजीज है, और ये पीछे भी क्योंकि बहुत सरसों की सबसे मेजर प्रॉब्लम है, और ये फफूंदी जनित बीमारी है। और ये आप देखेंगे कि आप जब ये फसल शुरुआती अवस्था में होता है तो जड़ों के ऊपर से गलना शुरू हो जाता है, बाद में ये जब फसल पकाई पे होता है तो अचानक से पूरी पौधे सूखने लगती है। जी जी, यही इनका भी। और आप देखेंगे कि जब तना फाड़ेंगे तो उसमें बारीक छोटे छोटे काले दाने आपको उसमें दिखाई देते हैं। तो आपने ये ध्यान देना है कि जब हमारा वो काला काला दाना होता है, ये समझ लीजिए कि सबसे जरूरी होता है कि आप जब शुरुआती अवस्था में ही
आपने जैसा कि रामलाल जी ने भी बताया कि बीज का उपचार बहुत जरूरी है, आपने बीज का उपचार करके बुआई करना है, और जिस क्षेत्र में ये ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपने भूमि का उपचार भी आवश्यक है, क्योंकि अगर आप भूमि की उपचार नहीं करते हैं तो जो आप दोबारा से उसमें सरसों लेते हैं तो ये आपको पूरा दिक्कत आएगी। तो आपने बीज के उपचार के साथ साथ जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है इसका आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद में मिक्स करके और बुआई से पूर्व खेत में जरूर मिलाएं, जिससे कि आपको इस बीमारी से आगे भी जो सरसों की फसल लेते हैं उसमें नहीं आएगी। अन्यथा क्योंकि ये मेजर पहले राजस्थान और जो उत्तर प्रदेश का एरिया है और जहाँ पे भी सरसों होती है ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो आपने इस बात का जरूर ध्यान देना है कि एक तो सबसे पहले जो आपके क्षेत्र में जो रिकमेंडेड वैरायटी है उसको लगाइए, बीज का उपचार कीजिए और भूमि का उपचार करेंगे तो ये फसल स्वस्थ होगी और आपको बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब जो हमारा आज का पहला विषय है सब्जियों की हम बात कर लेते हैं राकेश जी। तो सब्जियों में जैसे कि आपने बताया कि कौन सी सब्जियों का चुनाव करें, किस्मों के बारे में भी आपने बताया, अब ये बताएं कि पोषण की किस तरह की व्यवस्था हमारे किसानों को करनी चाहिए सब्जियों में। सब्जियों में क्योंकि जैसा हमने पूर्व में भी चर्चा किया था कि आप जब जमीन की तैयारी कर रहे हो तो हमें इसमें जो गोबर की सड़ी हुई गोबर की खाद हमने 15-20 दिन पहले खेतों में अच्छी तरीके से मिला देना है। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि ट्राइकोडर्मा विरिस से अगर हम भूमि का उपचारित कर लेते हैं तो भी बहुत फायदेमंद होगा। साथ ही साथ जो रिकमेंडेशन है, जैसे हम बेल वाली सब्जियों की बात करते हैं तो उसमें जो है नत्रजन की जो 80 किलो मात्रा है, फॉस्फोरस 50 किलो और पोटास हम 50 किलोग्राम की मात्रा से उसमें बुआई के समय ही हम खेतों में डालते हैं। जो हम नत्रजन की मात्रा है उसको 2-3 बार में स्प्लिट डोज करके, अगर हम 80 किलो है तो उसको 20-20 किलो के हिसाब से 3-4 बार में हम खेतों में देते हैं, जिससे कि हमारी लंबे समय तक जो पोषक तत्वों की कमी है वो पौधों को पूर्ति होती रहेगी। जहाँ तक माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात है तो सूक्ष्म तत्व की भी जरूरत पड़ती है, तो उसको हम फोलियर स्प्रे के द्वारा भी, जैसे एनपीके हमारा वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर से जाता है और मल्टीप्लेक्स जिसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका भी हम एनपीके का 5 ग्राम और मल्टीप्लेक्स का 5 ml के हिसाब से प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम स्प्रे करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है जो पोषक तत्व की कमी है वो पूरी जाती है। मैं खासकर बेल वाली सब्जी की जब हम बात करते हैं तो बेल वाली सब्जियों में ये देखा जाता है, ज्यादातर किसानों की ये समस्या रहती है कि फूल तो बहुत आते हैं फल नहीं बनते। तो इसके लिए मैं किसान भाई को बताना चाहूंगा कि जो शुरुआती अवस्था में अगर बीज की बुआई करते हैं तो बीज की बुआई करने के पश्चात जब 2 पत्ती और 4 पत्ती की अवस्था में हमारी बेल वाली सब्जियां आती है उसमें हम एक हार्मोन आता है इथेराल, इसका 1 ml 6 लीटर पानी में अगर हम स्प्रे करते हैं तो जो हमारा, क्योंकि बेल वाली सब्जी में जो लिंग की समस्या है वो ज्यादा होती है जिसमें आपका मेल फ्लावर ज्यादा है फीमेल कम आता है। जब मेल फ्लावर की पहचान एक लंबी डंडी होती है फूल के साथ और फीमेल फ्लावर जो है तना के साथ होता है और तना के साथ जो फीमेल फ्लावर होता है उसी में फल बनता है। जी, एक सवाल आ गया है हमारे पास, आइए बात करते हैं। बिहार से कॉलर हमारे साथ, हेलो जी, कौशल कुमार जी बताइए क्या सवाल है। कौशल कुमार जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। कौशल जी सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? कौशल जी अगर आप हमें टेलीविजन से सुन रहे हैं तो हमारा दोबारा से नंबर आप लगाइए, ट्राई कीजिए, शायद कुछ आपकी लाइन में कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से आपकी आवाज। अच्छा, फिर से हमारे साथ रामलाल जी अब आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे हम बात करें सरसों में फसल और कीट नियंत्रण के बारे में, और क्योंकि हम कार्यक्रम के बहुत कम समय बचा है तो मैं चाहूंगी कि अगर आप मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं आती है जिनमें भी हम चर्चा नहीं कर पाए, जिन पर हम बात नहीं कर पाए, अगर वो बताना चाहें। जी देखिए सरसों की फसल में जो प्रमुख रोग है अलग है मूत्रा और सफेद डोली, ये दोनों ही मुख्य रोग है सरसों फसल के। तो इनके प्रॉपर उपचार के लिए जैसे हमने बताया कि सबसे पहले आप सरसों प्रमाणित के लिए साथ में बीजोपचार यूज करें, बीजोपचार के लिए आप भादंदर जी भी यूज कर सकते हैं, और अगर सफेद डोली वाले क्षेत्र हैं उनमें आप पेट्रोन दवा आती है
गुजर करना चाहिए। अगर खरीफ फसल में ये रोग दिखाई देते हैं तो आप जैसे रेडोमिल दवा है उसका छिड़काव कर सकते हैं, और अगर तना कलन आता है तो नया एक केमिकल है जिसको टेपिकोनोलोजोन कहते हैं, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, या प्रोपिकोनोलोजोन है जिसको 1% का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम कीटों की बात करें तो कीटों में जैसे फसल की शुरुआती और बाद दोनों ही अवस्थाओं में चितकबरा रोग जो है, चितकबरा कीट है वो प्रमुख है। जी, एक कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं जिन्होंने हमें बाराबंकी से कॉल किया, उत्तर प्रदेश से आए, इनका भी सवाल लेते हैं। जी जी जी, नमस्कार नंद स्वरूप जी, बताइए। मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा, मैं बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमेशा कीट और रोग मुक्त बीज का किस्मों का चुनाव करते हैं, इसके बावजूद सरसों में जो माहू रोग होता है जिसे चेस्टा बोलते हैं ये लग जाता है, इससे भारी नुकसान होता है, लेकिन हम कौन सी दवा का छिड़काव करते हैं? हमारे कुछ मित्र की छोट होते हैं वो नमलने पान दवा से जैसे मधुमक्खी मारी मीट की था, इसको भी बचाना बहुत जरूरी है। जी रामलाल जी, क्या बताना चाहेंगे? ये शायद एफिड के बारे में बात कर रहे हैं, चेपा जिसको कहते हैं। जी जी, तो चेपा आपकी फसल में आ गया है लगभग दिसंबर के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ हो जाता है इसका, और इसके जो वयस्क और छोटे रहते हैं वो रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर ज्यादा प्रकोप नहीं हो तो आप जो नीम आधारित रसायन रहते हैं जैसे एजेंडेक्टिन है या नीम ऑयल है तो उनका आप 2% का छिड़काव कर सकते हैं, और जो एजेंडेक्टिन है उसका 3000 ppm का है उसका 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया फसल में तो एक इंसेक्टिसाइड आता है जिसको थायमेक्सोम कहते हैं, उस दवा का 0.1 gram प्रति लीटर में घोल बनाकर छिड़काव कीजिए। जी जी बिल्कुल, तो आप समझ गए होंगे नंद स्वरूप जी किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन चीजों का स्प्रे करना है ताकि ये समस्या ना आए। फिलहाल वक्त एक थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और आपकी कॉल सुनेंगे, कहीं मच जाएगा, देखते रहे हिंदुस्तान के साथ। थोड़ा सा ब्रेक, भोजन जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है, साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है, इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं मैनकाउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है।
जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों के उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दुगने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान, एक कॉलर है राजेश कुमार जिन्होंने उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हमें कॉल किया है। आइए सवाल लेते हैं उनका। जी राजेश जी बताइए क्या सवाल है। राजेश जी अपना सवाल बताएं। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मेरा एक सवाल है कि सरसों की फसल काटने के बाद हम बैंगन लगाएंगे तो क्या करें कि जो ज्यादा कीट पतंगे न परेशान करें। जी अनुप साहब आप बता पाएंगे। आप सरसों की कटाई के पश्चात बैंगन की फसल आसानी से ले सकते हैं। आपने शायद पौध तैयार कर रखी हो, अगर नहीं की हो तो आप वहीं से जो प्रगतिशील किसान है उन जो नर्सरी करते हैं वहां से भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी करेंगे तो ज्यादा लेट हो जाएगा अगर आप नर्सरी की तैयारी करते हैं। आपने लगाने से पहले आपने पहले अच्छे तरीके से, जैसा हमने पहले ही बताया था कि कार्बोफ्रॉम 3G जिसका 5 किलो आपने प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में मिलाना है, जिससे कि पहले की जो फसल की जड़े हैं या जो भी सूत्रकृमि जिसको बोलते हैं या कीट है उसको आराम से हम रोक सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद मिक्स करके भूमि को उपचारित कर ले तो आप उसको लगा लीजिए। जहां तक गर्मी का मौसम है उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप निश्चित तौर पर ज्यादा होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कीटों का प्रकोप भी बढ़ता जाएगा और बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ेगा, तो आपने विशेष ख्याल रखना है क्योंकि खासकर बैगन में यह देखा जाता है कि अगर फ्रूट बोरर या शूट बोरर तरह छेदक और फल छेदक अगर कीट आ गया तो उसको बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने IPM जो हम एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन की बात करते हैं तो आपने एक तो मॉनिटरिंग करना है, जैसे ही आपको लगे कि यहाँ पे एक दो फसल में एक दो पौधे में प्रभाव आने लगा तो आप इमीडिएट उसको फिजिकली तोड़ के और पॉलिथीन बैग में या मिट्टी में दबा दीजिए और उस पर आप जो भी हल्की दवाएं हैं उनका स्प्रे करते हैं तो कंट्रोल हो जाता है। तो इसमें ध्यान मॉनिटरिंग मस्ट होता है कि आप अगर बैगन की खेती कर रहे हैं तो लगाने के पश्चात आप अपने मॉनिटरिंग करना है और जैसे थोड़ी सी दिक्कत आती है आपने उसको आसपास जो भी आपके विशेषज्ञ है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और वहां दिखा के आप दवा का स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पे इस समय आप आसानी से सरसों की कटाई के बाद बैगन की खेती कर सकते हैं। जी रामलाल जी, क्योंकि बस अंतिम समय है, बिल्कुल कार्यक्रम को हमें समाप्त करना है, कुछ और बातें आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी देखिए किसान भाइयों, जो हम एकीकृत रोग प्रबंधन के बारे में बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रोग व कीट कम से कम आए, कम से कम की रोग सरसों की फसल में, तो आप जो बीज लेते हैं तो बीज का बीजोपचार जरूर करें और बीजोपचार के लिए आप ट्राइकोडर्मा एजेरियम इसकी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उपचारित करें। उसके बाद इसी को ट्राइकोडर्मा को ही 1 किलो को 50 किलो गोबर की खाद मिलाकर खेत में जरूर मिलाएं। इसके अलावा जो जिंक सल्फेट आता है, जिंक सल्फेट 15 किलो प्रति एकड़ की दर से खेत भूमि में डालें। साथ साथ में जो सल्फर वाले खाद फर्टिलाइजर है उनका भी उपयोग करें और बोरोन जो कि 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति एकड़ के हिसाब से आप काम में लेवें और फसल की बुआई लाइनों में करें जिसकी बुआई 45 सेंटीमीटर दो लाइन को बीच में पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। इसके अलावा जो
25 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी का जो समय रहता है, इस दौरान आप खेत में पानी नहीं डालें। अगर इतना आप करेंगे तो लगभग लगभग आपकी 40-50% बीमारियों तो अपने आप कंट्रोल में हो जाएगी, अगर ये IDM मॉड्यूल आप अपनाते हैं तो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामनाथ जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और इतना समय आपने दिया कार्यक्रम में और कॉलर्स के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की और ग्रीष्मकालीन सब्जियों से जुड़ी खास जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना है, लेकिन कल का विषय क्या है आइए डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय पशु में प्रमुख रोगों की रोकथाम और साथ ही बात करेंगे शुक्र पालन एक सफल व्यवसाय कैसे, सफल व्यवसाय किस तरीके से हमारे पशुपालकों के लिए साबित हो सकता है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल पता है hellokisan2015@gmail.com। आप चाहें तो हमें फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जहां आप वॉल पर या मैसेंजर के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और आइए देखते हैं हमारा कॉल सेंटर नंबर क्या है। किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-1130-60 सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान इस नंबर पर कॉल कर अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। तो फिर होगी आपसे मुलाकात हेलो किसान में। और जाते जाते आपको बता दें कि अब आप हमारा कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए हेलो किसान हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहां लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।